अरे पढ़ने वालों दोस्तों, अभी अभी मैंने शिक्षा मंत्री जी का ट्वीट देखा, ट्वीट हैंडल इनका, क्योंकि मैं चेक करता रहता हूँ क्या गतिविधि चल रही है। तो अभी अभी इन्होंने कहा है, अगर शिक्षा मंत्री जी का ट्वीट आप देखें, और फिर मैंने NDTV की जो एजुकेशन वेबसाइट है वहां से भी चेक किया इसको, तो अभी अभी शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि वो कल 1000 CBSE स्कूलों के हेड से इंटरेक्ट करेंगे। अब कहने को तो कह रहे हैं कि जब हमने पता लगाया कि वो इंटरेक्ट क्यों करना चाहते हैं CBSE स्कूलों के हेड से, तो कह तो ये रहे हैं कि हम नई एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी NEP 2021 उसके बारे में बात करने के लिए चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा अंदेशा है कि जो चारों तरफ से दबाव बन रहा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए 9th और 11th के बच्चों के लिए, उसके प्रेशर के मद्देनजर गुप्त सूत्रों से पता चला है कि जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो उनसे इंटरेक्ट करेंगे CBSE स्कूल हेड से कल। और ये उनका ट्वीट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये उनका ट्वीट है, देखिए, आई विल बी इंटरेक्टिंग with more than 1000 CBSE school heads and discuss their role in the effective implementation of NEP 2020 at the grassroots level. कल 28 जनवरी 2021 को 2 PM पर वो इंटरेक्ट करेंगे। अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि ऑनलाइन करेंगे या फिर क्या इनका हिसाब है, इसको ये लाइव प्रसारण करेंगे इसका या गुप्त मीटिंग होगी, ये तो नहीं पता। अगर ये इसका लाइव प्रसारण करते हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं इसको पूरा लाइव दिखाऊंगा अपने चैनल पर, एग्जाम जानकारी पर। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो आदरणीय शिक्षा मंत्री जी हैं रमेश पोखरियाल जी सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सर आप अगर ये वीडियो आप तक पहुंचती है हमारी, और दोस्तों वीडियो पहुंचाने का तरीका क्या है कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करना ट्विटर पर, इनको टैग कर करके एजुकेशन मिनिस्ट्री को, डॉक्टर आरपी निशंक को, इनको टैग कर करके इस वीडियो को आप शेयर करते रहना अपने स्कूल के हर व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने दोस्तों को, सबको शेयर कर देना, क्योंकि हमारी आवाज दूर तक जानी चाहिए। कल इनकी मीटिंग है CBSE स्कूलों के साथ, 1000 से ज्यादा स्कूलों के साथ कल ये डिस्कस करेंगे पूरा मुद्दा। तो अगर हम आज पूरी ताकत से ट्वीट कर पाए, और जो वीडियो अभी आप देख रहे हो उस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और @CBSEHQ CBSE इंडिया 29 का ट्विटर हैंडल है CBSE का, प्लस एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और डॉक्टर आरपी निशंक और मुझे अनुराग त्यागी, इन चार लोगों को टैग करके आप इसको प्लीज भेजना। और भाई एक वो हमारी पत्रकार है, आज तक है, जी न्यूज है, NDTV एजुकेशन, सबको आप टैग कर देना जितने कर सकते हो मैक्सिमम, लेकिन तीन लोगों को जरूर करना, CBSE को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को, निशंक जी को और मुझे। तो हमें कल तक मैक्सिमम ट्वीट करने है। मुझे ऐसा अंदेशा है, मुझे से पता चल रहा है, जो मेरा अंदाजा है कि भाई ये जो है ना कल जो मीटिंग होगी, ये मीटिंग एक्चुअल में इनके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए उसी के बारे में होगी। अब ये शिक्षा मंत्री जी कल NEP की तो बात करेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये कल बहाने से ये भी बात करेंगे, अरे स्कूल वालों क्या तुम ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हो क्या, क्योंकि स्कूल एग्जाम ऑफलाइन लेना चाहते हैं, उसका उद्देश्य उनका फीस लेना है, तो भाई हमें इन पर कल तक प्रेशर डालना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो बनाने का उद्देश्य ये कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज इस वीडियो को शेयर करना, ट्विटर पर ट्वीट करना। सबसे पहले आप लिखना, मैं बता रहा हूं आप कैसे करोगे, एक मिनट देख लो, आप ट्वीट कैसे करोगे, मैं एक लिख के बताता हूं ट्वीट आपको। चलो आप करोगे क्या, मैं ट्विटर ही खोल लेता हूं अपना, रुक जाओ मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा ये खुल गया, चलो ये दिखा देता हूं। आप क्या करोगे, आप लिखोगे, पहले पेन ले लेता हूं पीले कलर का, आप लिखोगे ऑनलाइन एग्जाम, कोई गैप नहीं होगा, एग्जाम फॉर 9th, और ये वाला एंड मत लिखना, ये वाला इसे लिखता हो एंड, ऐसे लिखना एंड 11th, या बीच में आप अंडरस्पेस दे सकते हो। फिर आप टैग करना CBSE को, CBSEHQ, और फिर आप टैग करना डॉक्टर निशंक को, फिर आप टैग करना एजुकेशन मिनिस्ट्री, बस आप इतना लिखोगे आ जाएगा। फिर आप टैग करना द अनुराग त्यागी मुझे, इसके अलावा आप जो हैं तन्वी दुबे जो हमारी लॉयर हैं उनको टैग कर देना, तन्वी दुबे, और एक हमारी जो उसकी काफ़ी एक्टिव रहती है एजुकेशन में पत्रकार, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, अभी बता दूंगा, उनको आप टैग कर देना भाई सारे बच्चे, ठीक है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कल तक टैग करने हैं, क्योंकि आपको मैंने क्लियर बता दिया अब दोस्तों, कल हमारे शिक्षा मंत्री जी लाइव आएंगे भाई, और हमें इनके लाइव से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब मैं आपको ट्विटर पर दिखा देता हूँ स्थिति क्या है, एक मिनट, ये रहा ट्विटर पर ये मेरा अकाउंट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अनुराग देव क्लासेस का है, तो मैं अपना दिखाता हूँ अनुराग देवी का, इसको भी आप फॉलो कर लेना अनुराग देव क्लासेस को भी, क्योंकि मैंने दो अकाउंट बना रखे हैं, बिकॉज अगर एक में कुछ गड़बड़ हो जाए दूसरा, ये अकाउंट है मेन, और इसको द अनुराग त्यागी मेरा वो है, इसको आप कर लेना फॉलो, और ये देख सकते हैं आप, मैं लगातार इस पर ट्वीट करता रहता हूँ, आप लोग भी जब ये वीडियो आ जाएगी इसको यहाँ पर हमें मैं लिखूंगा, इसको आप बार बार भेजते रहना, कल 2 बजे से पहले पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ट्वीट करना है। तो ये मेरा ट्वीट जो भी देखिए, अरे स्कूल वालों, यह 9वीं और 12वीं के बच्चे इंसान नहीं, क्या इन पर दया करो, एग्ज़ाम ऑनलाइन कर लो,
ये देखो मैंने रिट्वीट कर दिया, फिर इस तरह रिट्वीट करते हैं। जिन बच्चों का ट्विटर पर अकाउंट नहीं है वो ट्विटर बना लो इस दौरान। जिन बच्चों का ऑफलाइन ही एग्जाम हो रहा है भाई वो तैयारी करो अपनी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कामयाब हो जाएंगे, हो सकता है कुछ स्कूल ना माने, कुछ स्कूल मान रहे हैं, कुछ स्कूल और मानेंगे, बट आप पढ़ाई करते रहना, डरना मत, रिलैक्स रहना। कल 2 बजे शिक्षा मंत्री जी लाइव आ रहे हैं, स्कूल वालों से बात करेंगे। ये वीडियो मुझे आपको बनानी थी, बतानी थी। एग्जाम जानकारी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप लोग कर नहीं रहे हो, क्योंकि मैं अनुराग के क्लासेस पर कम वीडियो दूंगा न्यूज की, यहाँ पर ज्यादा दूंगा बिकॉज वहाँ पढ़ाना भी है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये लड़ाई बड़ी है, साथ मत छोड़ना, और मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, डरना मत। ठीक है, लव यू ऑल।